हाँ तो बच्चों एक सवाल आपके माइंड में आता होगा कि सर अभी लास्ट 10 डेज बचे हुए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं बेटर टिप्स देने से पहले मैं आपके आप जो स्टूडेंट्स हो उनकी दो कैटेगरीज करूंगा। एक कैटेगरी है जिसका पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, उनके लिए अलग टिप्स है। एक दूसरी कैटेगरी है जिन्होंने अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया है, मान लो कि उनका 50-70% तक स्टडी हो चुका है और अभी भी कुछ स्टडी होना बाकी है, तो दो अलग कैटेगरी के लिए दो अलग टिप्स है। पहली कैटेगरी जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, पूरे आपके लेसन्स कवर्ड है, उनके लिए पहली टिप है गो फॉर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए जाओ, अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट सॉल्व करो। आपको एक चीज में बता दूं, जब आप मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर होते हो ना, तब याद रखना कि ऑफलाइन में मॉक टेस्ट देने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहां पे फिर वही आता है कि टाइम मैनेजमेंट आपको पता नहीं चलता। तो ऑनलाइन के मोड में मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि आपको आखिर में फाइनल एग्जाम तो ऑनलाइन ही देना है। तो एग्जाम जब मॉक टेस्ट आप दोगे ना, तो ऑनलाइन दे दो, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू क्लियर हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट जब दोगे तब ऐसे चूज करना कि भाई आपको पता है कि फाइनल जो सीईटी एग्जामिनेशन है आपका, आपको पेपर कैसे मिलने वाला है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ मिलने वाला है और मैथ्स अलग से मिलने वाला है, मतलब 90 मिनट आपको मिलेंगे मैथ्स के लिए एंड आपके रिमेनिंग 90 मिनट्स मिलेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। इसलिए जब मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर करते हो ना, तब देखना कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर ही टाइम मैनेजमेंट हो जाए। कोई बच्चा क्या करता है, उसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे होल्ड है या केमिस्ट्री उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करो देन फिजिक्स के लिए जाओ। लेकिन मैथ्स अलग सेगमेंट है बेटा, मैथ्स के लिए अलग से पेपर खुलने वाला है। तो अभी से मॉक टेस्ट में ही कोशिश करो कि ऐसी प्रिपरेशन आप कर दो। नेक्स्ट, आपका एक नोटबुक अभी तक बना होगा, नहीं बना है तो अभी बनाओ, कि एक ही नोटबुक में सारे फॉर्मूलाज लाइन बाय लाइन विथ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स, कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को ये वाला शॉर्टकट यूज होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को ये वाला शॉर्टकट यूज होता है। तो आपके पास ऐसा एक बुक होना चाहिए। मैंने मेरे वीडियोज में मेरे शॉर्ट्स में इतनी बार कोशिश की कि आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट प्रोवाइड कर सकूं। आप एक अच्छे से नोटबुक बनाइए तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, क्योंकि लास्ट वन डे बिफोर एग्जाम के वन डे बिफोर आपको काम यही करना है। क्या करना है, वहां पे क्वेश्चंस नहीं करना है, वहां पे क्वेश्चंस करने का टाइम गया बेटा। वन डे बिफोर क्या करोगे आप, सारी थ्योरी रिवाइज करोगे, मतलब फॉर्मूलाज। थ्योरी मतलब ऐसे नहीं कि कोई फॉर्मूला का प्रूफ करने लग जाओ, नहीं, उसके फॉर्मूलाज प्रिपेयर करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। वैसे तो मैथ्स पढ़ा नहीं जाता, मैं अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स पढ़ा नहीं जाता, लेकिन वन डे बिफोर मैथ्स पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए से मतलब कि आप नजर से डालो कि हाँ भाई ये टाइप ये फॉर्मूलाज है वगैरह, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का इस टाइप का मॉडल है तो उसका सॉल्यूशन मेथड ये है ना, या फिर 3x3 मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स फाइंड करने का ये तरीका होता है, कोई शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया होगा। तो ऐसे आप वन डे बिफोर प्रिपेयर करोगे, लेकिन ये लास्ट 10 डेज में आपको मोर एंड मोर मॉक टेस्ट देनी है। और एक बच्चा कहाँ गलती करता है, मैं बार बार अपनी वीडियोज में बोलते रहता हूँ कि एक टाइप का क्वेश्चन आ गया, समझो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है पेयर ऑफ लाइंस के बीच में, ठीक है, क्वेश्चन बच्चे से बन गया तो बच्चा खुश होता है कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या करने लगता है बच्चा, उसी टाइप के 10 क्वेश्चन करने लग गया। नहीं, रॉन्ग है, एक टाइप के 10 क्वेश्चन सॉल्व मत करो, मैं कहूंगा 10 टाइप के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आपका लॉजिक स्ट्रांग होगा। तो जिनका प्रिपरेशन हो चुका है, सारे लेसन्स तैयार है, उनके लिए मैंने ये टिप दे दी कि सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के पीछे भाग जाओ और टाइम मैनेजमेंट के पीछे भाग जाओ। और आपका अभी भी स्टडी टाइम कितना चाहिए, 8 आवर्स पर डे, उसमें से मैं कहूँगा गिव 3 आवर्स फॉर मैथ्स एंड 5 आवर्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों में से जो भी आपका वीक है उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा डाल, लेकिन 8 आवर्स का आपका स्टडी होना चाहिए। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे कि सर मेरा 50% 60% या 70% का मेरा प्रिपरेशन हो चुका है, लेकिन लास्ट 10 डेज में मैं ऐसे क्या करूं कि मुझे एक अच्छा परसेंटाइल मिले, मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे 98% अबव मिले। तो बच्चा उनके लिए मेरी टिप रहेगी कि देखो बेटा, आपका बोर्ड एग्जाम हो चुका है, मतलब आपने 12th की सारी लेसन्स करी होगी बोर्ड एग्जाम में,
तो आपका 80% सीईटी बन गया। तो उनके लिए कहूंगा कि गो फॉर 11th के चैप्टर्स। आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब में 11th के 5 टू 6, 6 टू 8 लेसंस है। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए पहले जाओ, और उन टॉपिक्स में भी ऐसे टॉपिक के लिए पहले जाओ कि कोई टॉपिक अगर 12th के टॉपिक से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल पेयर ऑफ स्टेटलाइन लेसन है 12th में, आपने पेयर ऑफ स्टेटलाइन तो पढ़ा होगा, लेकिन उसका बेस क्या है, स्ट्रेट लाइन, उस पर भी एक क्वेश्चन आता है सीईटी में। तो ऐसे चैप्टर के लिए पहले जाओ जो जो आपके 12th के चैप्टर को कनेक्ट रहेगा। उसके बाद आपके मैथ्स में पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कोई आगे लेना देना नहीं है, या पीएनसी आगे लेना देना नहीं है, उसके लिए बाद में जाओ, उसके लिए बाद में जाओ जब ये टॉपिक्स आपके कवर होंगे तब। लेकिन हाँ, अगर आपने सीरियसली स्टडी किया तो अभी भी आपका 98% के ऊपर का स्कोर आना बनता है, आप कर सकते हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग आपकी विल पावर चाहिए, तभी ये हो सकता है। तो टिप सबसे बड़ी वही है कि आप मॉक टेस्ट के पीछे मत भागो। जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट है, आप 11th के टॉपिक के पीछे भागो, और हो सके तो अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो कि आपको पता चले कि हाँ भाई मेरे कितने क्वेश्चन 3 घंटे में बन रहे, कितने क्वेश्चन में मुझे छोड़ने पड़ रहे, तो अगली एग्जाम में वो गलती ना हो, ठीक है ना। तो ये लास्ट 10 डेज में दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैंने टिप बता दी। आप बताना मुझे कमेंट में आपको ये टिप कैसी लगी, और कोई और क्वेश्चंस होंगे तो भी बताना, मैं कमेंट में उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।